हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर ये है 6। और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। अब क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। लिखा हुआ है एन बिल्डर, हमने लिखा हुआ है बिल्डर, लेकिन बुक में कोई और वर्ड लिखा गया है और जो कि प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है, बिल्डर लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा बुक में कुछ दूसरा लिखा है, यहाँ हमने बिल्डर लिखा है, लेकिन मतलब सेम है। ठीक है, तो हम बिल्डर ही पढ़ेंगे। लिखा हुआ एन बिल्डर चार्जेज 8% फॉर सेलिंग अ हाउस इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर 2,30,500। फाइंड द चार्जेस ऑफ द बिल्डर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, हिंदी में समझिए। अब मतलब ये है कि कोई बिल्डर है एंड बिल्डर चार्जेस 8%। ठीक है, कोई बिल्डर है मतलब जो बनवा रहा है बिल्डिंग को। ठीक है, कोई बिल्डर है जो 8% चार्ज कर रहा है। ठीक है, किसमें 8% चार्जेस द फॉर सेलिंग अ हाउस। ठीक है, जब वो हाउस को बेचेगा तो उसमें जो पैसा मिलेगा उसमें से 8% बिल्डर खुद ले लेगा। ठीक है, चार्ज 8% फॉर सेलिंग अ हाउस इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर, इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर, अगर घर इतने में बिकता है 2,30,500। ठीक है, सोल्ड मतलब बिकता है, सोल्ड फॉर 2,30,500। फाइंड द चार्जेस ऑफ बिल्डर, बिल्डर का जो है कितना रुपया होगा वो बताना है, बिल्डर का चार्ज क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीज दी गई है, यहाँ जो है दिया गया है ये, और दिया गया है 8%। चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ बिल्डर लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ बिल्डर, ठीक है, कितना है 8% है ना। अब और क्या दिया गया है, द हाउस इज सोल्ड फॉर, लिख देंगे सोल्डिंग, सोल्डिंग हाउस, हाउस कितने का बिक रहा है 2,30,500 में बिक रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चार्जेस ऑफ द बिल्डर। ठीक है, चार्जेस ऑफ द बिल्डर यही निकालना है, DER, बस इतना ही समझ लेते हैं। ठीक है, और ये सब हमें लिखने का तो मन ना कर रहा है लेकिन लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में ही कर देते हैं लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिएगा चार्जेस ऑफ द बिल्डर, बिल्डर का चार्ज निकालना है। ठीक है, तो वो घर कितने में सोल्ड हुआ, इतने में, और उसमें से 8% कौन ले लेगा, बिल्डर ले लेगा, मतलब चार्जेस ऑफ द बिल्डर निकालना है। तो मतलब कि 2,30,500 का हमें क्या निकालना है, 8% जो कि बिल्डर को देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2,30,500 का हमें क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो 2,30,500 को परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट बनाना है 8%, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे इसको, तो आ जाएगा चार्जेस ऑफ बिल्डर, इसको काट देते हैं ऊपर वाले दो जीरो से, और यहां 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर जो बचा हुआ नंबर है, ये क्या है 8, 5 जा 40, बचा 4, 8, 5 जा 40, बचा 4, 8, 0 जा 0, यहां बच्चे ये हो जाएगा 4, 8, 3 जा 8, 3 24 के 4 असल बच्चा 2, 8, 2 16, 2 18। ठीक है, ये हो गया 18,440 रुपीज। ठीक है, ये है चार्जेस ऑफ बिल्डर। अब ये तो हमने
बुक वाले ट्रिक से सॉल्व किया है और मेरी ट्रिक से भी सेम यही फार्मूला एकदम करेक्ट बैठ रहा है, तो ठीक है, तो इसको एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें पूछा गया था, चार्जेज ऑफ द बिल्डर, परसेंट नहीं पूछा गया था, नंबर में पूछा गया था, कितना नंबर मतलब कितना रुपया मिलेगा, तो नंबर पूछा गया है, परसेंट पूछता है तो परसेंट वाला ये वाला फार्मूला लगता है, नंबर पूछा है ये आंसर किस में आया हुआ है, ध्यान दीजिए आंसर किस में आया हुआ है, नंबर में आया हुआ है, परसेंट में नहीं आया हुआ था, परसेंट में आया होता तो यहाँ ये वाला लग जाता, ठीक है, तो नंबर में आया हुआ, नंबर पूछा है तो मेन नंबर ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो मेन नंबर इसमें कौन सा था, ये मेन नंबर था, तो मेन नंबर ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखा गया है 230,500, मेन नंबर ऊपर लिखेंगे, और किसके लिए निकाल रहे हैं 8%, एट किसका निकाल रहे हैं 8% निकाल रहे हैं, 8% को हमेशा मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और जो बचेगा जो बची हुई जगह है परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 लिखेंगे ही, ठीक है, बस बुक वाली ट्रिक और मेरी ट्रिक सेम मैच खा रही है, तो इसमें दूसरे ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, सेम ट्रिक है, ठीक है, तो हम क्या करते डायरेक्ट शॉर्ट में करते, तो हम क्या करते 230,500, ठीक है, मेन नंबर ऊपर, और किसके लिए निकाल रहे हैं चीना खींचते 8% जो बची हुई जगह उसमें 100 लिख देते, सॉल्व करते आ जाता, यही आ जाता आंसर, ठीक है, और देख लीजिए अब भाई मुद्दे की बात समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, और ट्रिक समझ में आया हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बाय।